हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्रिएटिव लाउंज। आज मैं आपको ये बहुत ही ब्यूटीफुल बेबी कैप बुनना सिखाऊंगी। इस कैप को मैंने न्यूबॉर्न से लेकर 6 मंथ के बेबी के साइज के अकॉर्डिंग बनाया है। इसे मैंने इस बेबी वेस्ट के साथ सेट में तैयार किया है। इसके साइज को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, इसकी डिटेल भी मैंने आगे जाके वीडियो में दी है। तो चलिए, कैसे हमें इस कैप को बुनना है स्टार्ट करते हैं। इस बेबी कैप को बुनने के लिए सिंगल धागे से हम 31 स्टिचेस 31 फंदे कास्ट ऑन कर लेंगे। ये हमारी राइट साइड है। राइट साइड की इस फर्स्ट रो में स्टार्टिंग में हम 10 फंदे 10 स्टिचेस सीधा बुनेंगे और इन 10 स्टिचेस में से फर्स्ट फंदा ऐसे हम स्लिप कर लेंगे और नेक्स्ट फंदों को सीधा बुनेंगे। फर्स्ट फंदा स्लिप करके नेक्स्ट 9 फंदों को सीधा बुनकर टोटल ये 10 स्टिचेस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसके बाद जो हमारे नेक्स्ट 11 स्टिचेस हैं, 11 फंदे हैं, उन पे हम सेंटर में डिज़ाइन सेट करेंगे। इसके लिए हम धागा पीछे से आगे लेकर आएंगे और नेक्स्ट 11 फंदों में से जो पहला फंदा है इसको उल्टा बुनेंगे। इस फंदे को उल्टा बुन लेने के बाद धागा पीछे लेकर जाएंगे। अब नेक्स्ट 9 स्टिचेस 9 फंदे हम सीधा बुनेंगे। नाइन स्टिचेस को सीधा बुन लेने के बाद धागा पीछे से आगे लेकर आएंगे, एक फंदा हम उल्टा बुनेंगे। अब इस फंदे को उल्टा बुन लेने के बाद हमारे पास यहाँ पे 10 स्टिचेस बच गए हैं। धागा पीछे ले जाकर इन्हें हम सीधा बुनकर इस फर्स्ट रो को कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से राइट साइड की इस फर्स्ट रो को हमने बुनकर कंप्लीट कर लिया है। अब हम सेकंड रो पर आ जाएंगे। ये हमारी रॉन्ग साइड की रो है। इस रो में स्टार्टिंग में ये फर्स्ट फंदा स्लिप करके नेक्स्ट 9 स्टिचेस 9 फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। फर्स्ट फंदे को स्लिप करके इन 9 फंदों को सीधा बुन लेने के बाद टोटल ये 10 स्टिचेस हमारे यहाँ तक कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसके बाद हमारे सेंटर के ये 11 स्टिचेस आ जाएंगे। इनमें से ये जो पहला फंदा है ये यहाँ से रॉन्ग साइड से आपको सीधा नजर आएगा, तो इस फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। इस फंदे को सीधा बुन लेने के बाद धागा पीछे से आगे लेकर आएंगे। अब ये नेक्स्ट 9 स्टिचेस 9 फंदे हम उल्टा बुनेंगे। नौ फंदों को उल्टा बुन लेने के बाद अब ये जो नेक्स्ट फंदा है ये सीधा नजर आएगा। धागा पीछे ले जाएंगे, इस फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। अब इसके बाद हमारे यहाँ पे ये 10 स्टिचेस हैं, 10 फंदे हैं, इनको हम सीधा बुनकर इस रॉन्ग साइड की रो को कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से हमने ये रॉन्ग साइड की रो बुनकर कंप्लीट कर ली है। जैसे हमने इस रो को बुना है इसी तरह से हर बार रॉन्ग साइड की रो को हमें बुनना है। सेकेंड रो को बुनकर कंप्लीट करने के बाद हम राइट साइड थर्ड रो पर आ जाएंगे। अब स्टार्टिंग में फर्स्ट फंदा स्लिप करके 9 स्टिचेस ये हम सीधे बुन लेंगे। फर्स्ट फंदे को स्लिप करने के बाद नेक्स्ट 9 स्टिचेस को मैंने सीधा बुन लिया है। टोटल यहाँ तक हमारे 10 फंदे ये बुनकर कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसके बाद हमारे ये सेंटर में 11 फंदे हैं जिन पे हमें डिज़ाइन को सेट करना है। धागा पीछे से हम आगे लेकर आएंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे। इस फंदे को उल्टा बुनने के बाद धागा पीछे लेकर जाएंगे। अब जो हमारे ये 9 स्टिचेस हैं नेक्स्ट, इन पे हमें डिज़ाइन सेट करना है। 9 स्टिचेस में से स्टार्टिंग के ये 3 स्टिचेस 3 फंदे हम लेंगे। इन 3 फंदों में से इस फंदे को सिलाई से हम इस तरह से लेंगे और इन दोनों फंदों के ऊपर से ऐसे उतार देंगे। इस तरह से इस फंदे को 2 फंदों के ऊपर से उतारने के बाद
हमारा एक फंदा कम हो गया है, तो अब जब हम इसको बुनेंगे जाली से एक फंदा बढ़ा लेंगे। पहला फंदा ऐसे हम ये सीधा बुनेंगे, फिर धागा पीछे से आगे लेकर आएंगे, फिर नेक्स्ट फंदे को ऐसे सीधा बुनेंगे। इस तरह से हमारे ये फिर से तीन फंदे हो गए हैं। तो जैसे हमने इन तीन फंदों पे डिज़ाइन ये सेट किया है, ऐसे ही नेक्स्ट तीन तीन फंदों पे दो बार और हम डिज़ाइन सेट करेंगे। अब ये जो नेक्स्ट तीन फंदे हैं इन पे देखिए, ये तीसरा फंदा हम फिर से ऐसे लेंगे और इन दोनों फंदों के ऊपर से ऐसे उतार देंगे, इस फंदे को सीधा बुनेंगे, धागा पीछे से आगे लेकर आएंगे, फिर इस फंदे को सीधा बुनेंगे। अब एक बार और इन तीन फंदों पे हम इसी तरह से इस डिज़ाइन को सेट करेंगे। इन तीन फंदों में से इस फंदे को ऐसे लेंगे, इन दोनों फंदों के ऊपर से ऐसे उतार देंगे, इस फंदे को सीधा बुनेंगे, धागा पीछे से आगे लेकर आएंगे, फिर इस फंदे को सीधा बुनेंगे। इस तरह से हमने इन नौ फंदों पे इस डिज़ाइन को सेट कर दिया है। अब फिर हम धागा पीछे से आगे लेकर आएंगे, एक फंदा ये उल्टा बुनेंगे। इस फंदे को उल्टा बुन लेने के बाद धागा पीछे लेकर जाएंगे। अब हमारे इस साइड ये 10 फंदे हैं, इनको सीधा बुनकर इस थर्ड रो को हम कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से राइट साइड की इस थर्ड रो को हमने बुनकर कंप्लीट कर लिया है। अब हम रॉन्ग साइड की फोर्थ रो पर आ जाएंगे। रॉन्ग साइड की रो हमें वैसे ही बुननी है जैसे सेकेंड रो को बुना था। फर्स्ट फंदा स्किप करेंगे, नेक्स्ट 9 स्टिचेस इनको हम सीधा बुनेंगे, फिर ये जो हमारा सीधा फंदा है इसको भी हम सीधा बुनेंगे, धागा आगे लाकर 9 फंदे 9 स्टिचेस उल्टा बुनेंगे, फिर धागा पीछे ले जाएंगे, फिर ये जो सीधा फंदा नज़र आ रहा है इसे हम सीधा बुनेंगे, फिर ये हमारे 10 स्टिचेस हैं, 10 फंदे हैं, इनको भी सीधा बुनेंगे। इस तरह से रॉन्ग साइड की रो को हमें बुनकर कंप्लीट करना है। रॉन्ग साइड की इस फोर्थ रो को मैंने बुनकर कंप्लीट कर लिया है। अब हम राइट साइड पर आ जाएंगे। अब यहाँ से राइट साइड से जैसे मैंने आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ ये फोर रोज चार सलाइयाँ बुनकर बताई हैं, अब इसी तरह से यहाँ से राइट साइड से फिर हम ये चार रोज रिपीट करेंगे। इन्हीं फोर रोज को जब हम रिपीट करते जाएंगे तो ये डिज़ाइन हमारा आगे आगे बढ़ता जाएगा। इन 31 स्टिचेस पर इन्हीं 4-4 रोज को रिपीट करते हुए इस पार्ट को अप्रॉक्सीमेटली 14 इंचेस तक हम बुनकर तैयार कर लेंगे। 4-4 रोज को रिपीट करते हुए इस पार्ट को मैंने 14 इंचेस बुनकर तैयार कर लिया है। जब आप इस पार्ट को ऐसे बुन लेंगे तो आप इस तरह से फोल्ड करके मेजर करें। 14 इंचेस का हाफ 7 इंच बनता है, तो जब ये इस तरह से हाफ फोल्ड करेंगे और इसको यहाँ पे मेजर करेंगे ऐसे, जब ये ऐसे 7 इंचेस बुन जाए तब हमें आगे नहीं बुनना, फिर हम यहाँ से इन सारे स्टिचेस को रॉन्ग साइड में क्लोज कर देंगे। अब यहाँ तक 14 इंचेस में मैंने कितनी रोज बुनी है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये जो हम 4 रोज में बुन रहे थे, एक हमारा इस तरह का पार्ट बना था, इनको हम काउंट कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. तो इतना हमारा ये इस तरह से बुन चुका है। अब इसके बाद यहाँ से हम रॉन्ग साइड पर आ गए हैं। अब रॉन्ग साइड में इन सारे स्टिचेस को हम क्लोज करेंगे। क्लोज करने के लिए स्टार्टिंग में दो फंदों को ऐसे इकट्ठा लेंगे, उल्टा बुनते हुए दो फंदों का एक बना देंगे, इस फंदे को दोबारा से इस सलाई में लेंगे, इसके साथ एक और इंक्लूड करेंगे, उल्टा बुनते हुए दो फंदों का एक कर देंगे, इस फंदे को फिर इस सलाई में लेंगे, फिर दो फंदों का एक कर देंगे उल्टा बुनते हुए। इस तरह से यहाँ तक इन सारे स्टिचेस को हम क्लोज कर देंगे। सारे स्टिचेस को मैंने क्लोज कर दिया है। अब यहाँ पे हम स्टिचिंग के लिए थ्रेड को रखकर और एक्स्ट्रा थ्रेड को कट कर देंगे। इस लूप में से इस थ्रेड को ऐसे निकाल देंगे। अब हम यहाँ से इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। अब आगे का जो पार्ट हम बुनेंगे वो उसके लिए हम यहाँ पे पहले इसको इस तरह से फोल्ड करके यहाँ से भी और यहाँ से भी ऐसे यहाँ तक स्टिच करेंगे। अगर आप आगे टू नीडल्स पे बुनना चाहते हैं तो उसके लिए पहले हम यहाँ से और यहाँ से इसको
फोल्ड करके स्टिच करेंगे। लेकिन अगर आप इसकी सर्कुलर निटिंग करेंगे आगे जाकर, तो उसके लिए पहले हम यहाँ से इसको स्टिच करेंगे। दोनों ही टाइप से आप इसको बुन सकते हैं। तो अब जब हमने स्टार्टिंग में स्टिचेस कास्ट ऑन किए थे, थोड़ा सा थ्रेड हमारा बच गया था, उससे पहले हम यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको स्टिच करेंगे। तो पहले इसमें हम नीडल को डाल लेते हैं। और यहाँ से इसको हम स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। राइट साइड से ही इसको हम स्टिच कर रहे हैं। यहाँ से ऐसे हम इस थ्रेड को इसमें लेंगे, फिर यहाँ से इस पार्ट को ऐसे लेंगे, फिर यहाँ से इसी तरह से हम इसको स्टिच करते जाएंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको हम ऐसे ही स्टिच कर लेंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने इसको स्टिच कर लिया है। अब इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे और ऐसे स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। जो ये हमने थ्रेड जब स्टिचेस बाइंड ऑफ किए थे वहाँ पे बचा लिया था, पहले इस थ्रेड से हम यहाँ से इसको ऐसे फोल्ड करते हुए स्टिच करेंगे। अब एक बात का आपको ध्यान रखना है कि यहाँ से बिल्कुल लाइंस को मिलाते हुए ऐसे हमें इसको स्टिच करना है। पहले हम यहाँ से इस तरह से थ्रेड को सेट कर लेंगे। और अब एक बार हम यहाँ पे ऐसे नीडल को डालेंगे और एक बार बिल्कुल इस लाइन के नीचे इस पार्ट में ऐसे, फिर यहाँ पे, फिर जो ये सेकंड लाइन है इसके यहाँ पे इस पार्ट में, फिर थर्ड लाइन में, फिर इसके नीचे वाले पार्ट में। तो इस तरह से मिलाते हुए हम इसको स्टिच करते जाएंगे। और ज़्यादा टाइट आपको यहाँ पे थ्रेड को नहीं खींचना है, बिल्कुल इस तरह से रहे थ्रेड कि ये ज़्यादा टाइट भी ना हो और ज़्यादा लूज भी ना हो। तो इस तरह से यहाँ से लेकर ऐसे फोल्ड करते हुए यहाँ तक इसको हम स्टिच कर लेंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने इसको स्टिच कर लिया है। अब जब लास्ट में हमारे पास थ्रेड बचेगा, तो थ्रेड को यहाँ पे पक्का करने के बाद ये जो हमारी सीधी लाइन है इसमें हम इस तरह से इसको पास कर देंगे। एक्स्ट्रा थ्रेड कट कर देंगे। इस तरह से जैसे हमने इसको फोल्ड करते हुए यहाँ पे स्टिच किया है, तो यहाँ पे थ्रेड को अटैच करने के बाद ऐसे हम यहाँ पे भी इसी तरह से इसको स्टिच करते हुए यहाँ तक ऐसे कंप्लीट कर लेंगे। इस पार्ट को भी मैंने फोल्ड करके स्टिच कर लिया है। अब ये हमारी इस तरह की शेप बन गई है। अब हम यहाँ से स्टिचेस उठाएंगे और फिर आगे का पार्ट बुनेंगे। तो यहाँ से सर्कुलर नीडल हम ले लेंगे और इसमें ये जो हमारी लाइन है जहाँ से हमने स्टिच किया था, इसके जस्ट ये ऊपर वाली लाइन है, इसको हम ऐसे लेंगे यहाँ से और इस तरह इस नीडल को हम इसमें डालते जाएंगे। बिल्कुल ये लाइन मैच करते हुए यहाँ से हमें स्टिचेस इसमें शिफ्ट करते जाना है। यहाँ से लेकर यहाँ तक इस तरह से ये सारे पार्ट्स को हम इस सर्कुलर नीडल में उठाकर सेट कर लेंगे। यहाँ से इस तरह से स्टिचेस को उठाते हुए इस सर्कुलर नीडल में मैंने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। यहाँ तक टोटल ये 80 स्टिचेस हैं, 80 फंदे हैं। अब हम यहाँ से इसको बुनना स्टार्ट करेंगे। ये हमारी राइट साइड है, यहाँ से अब हम सीधा सीधा बुनेंगे। अब हम थ्रेड ले लेंगे और इससे हम यहाँ पे इनको सीधा सीधा बुनना स्टार्ट करेंगे। ऐसे धागे को फोल्ड करेंगे और ऐसे इसको बुनेंगे।
फिर इस धागे को ऐसे क्रॉस कर लेंगे और फिर नेक्स्ट फंदे को सीधा बुनेंगे। इस तरह से अब हमें बस सीधा सीधा बुनते हुए राउंड्स कंप्लीट करने हैं। आगे का पार्ट इसी तरह से अब हम बुनते जाएंगे। इस तरह से सीधा सीधा बुनते हुए आगे हम इसकी लेंथ को कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ से सीधा सीधा बुनते हुए मैंने इसकी लेंथ को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ से इसको अगर हम मेजर करेंगे तो ये जो पार्ट है 6 इंचेस हमने बुन लिया है। अब इसके बाद यहाँ से इसको हम बुनना स्टार्ट करेंगे। इसके लिए धागा जो हमारा पीछे है आगे लेकर आएंगे। अब ये जो नेक्स्ट दो फंदे हैं इनको इकट्ठा एक साथ लेंगे, ऐसे सीधा बुनते हुए दो फंदों का एक बना देंगे। नेक्स्ट 4 फंदे हम सीधे बुन लेंगे। चार फंदों को सीधा बुन लेने के बाद फिर धागा पीछे से आगे लेकर आएंगे। नेक्स्ट फिर दो फंदे इकट्ठा एक साथ लेंगे, सीधा बुनते हुए दो फंदों का एक बना देंगे। इसके बाद फिर 4 फंदे हम सीधे बुन लेंगे। अब 4 फंदों को सीधा बुन लेने के बाद फिर से धागा पीछे से आगे लेकर आएंगे। दो फंदों को इकट्ठा एक साथ लेंगे, सीधा बुनते हुए दो फंदों का एक बना देंगे। फिर नेक्स्ट 4 फंदे 4 स्टिचेस हम सीधा बुनेंगे। तो इस तरह से हम 4 फंदे सीधे बुनने के बाद धागा फिर आगे लेकर आएंगे, फिर दो फंदों को इकट्ठा एक साथ लेके सीधा बुनते हुए एक बना देंगे। फिर नेक्स्ट 4 फंदे हम सीधे बुनेंगे। इस तरह से हम यहाँ तक इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। तो ऐसे इसको हम बुन लेते हैं। यहाँ से हमने इस राउंड को बुनना स्टार्ट किया था, धागा पीछे से आगे लाकर दो फंदों का सीधा बुनते हुए एक बनाया, फिर 4 फंदे सीधे बुने, फिर धागा पीछे से आगे लाकर दो फंदों का एक बनाया सीधा बुनते हुए, फिर 4 फंदे सीधे बुने। इसी सीक्वेंस से बुनते हुए यहाँ तक हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। हमारे पास 80 स्टिचेस थे, तो यहाँ तक हमने इसको जब बुना तो अब हमारे पास ये जो स्टिचेस बचे हैं 14 हैं, 14 फंदे हैं। तो अब हम यहाँ पे आगे देखिए कैसे बुनेंगे। यहाँ पे हम दो फंदों का एक करने के बाद 4 फंदे सीधे बुन चुके हैं, धागा पीछे से आगे लेकर आएंगे। अब नेक्स्ट दो फंदों को इकट्ठा एक साथ लेंगे, सीधा बुनते हुए एक बना देंगे। अब ये नेक्स्ट हम 5 फंदे सीधे बुनेंगे। पांच फंदों को सीधा बुन लेने के बाद अब हमारे पास ये 7 स्टिचेस हैं, 7 फंदे हैं। तो अब हम धागा पीछे से आगे लेकर आएंगे, नेक्स्ट दो फंदों को इकट्ठा एक साथ लेंगे, सीधा बुनते हुए एक बना देंगे। अब ये हमारे पास 5 फंदे हैं, इनको सीधा बुन लेंगे। इस तरह से यहां तक हमने इस राउंड को बुनकर कंप्लीट कर लिया है। अब यहां तक हमारा ये राउंड का मार्क कैसे है जो हमने यहाँ पे स्टिचिंग की थी, ये पार्ट आपको यहाँ पे नजर आएगा, इस स्टिचिंग वाले पार्ट से बिल्कुल इक्विवेलेंट यहाँ तक हमारा ये राउंड कंप्लीट हुआ है। अब हम यहाँ पे जब आगे बुनेंगे तो एक राउंड हमें पूरा सीधा बुनकर कंप्लीट करना है। जब हम यहाँ तक उस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे तो यहाँ एक होल बन जाएगा, ये आपको क्लियर मार्क नजर आएगा कि यहाँ तक ये लाइन देख लेंगे आप और इस होल को देख लेंगे कि यहाँ तक हमारा ये राउंड कंप्लीट हो चुका है। अब हम आगे एक राउंड सीधा बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ से सीधा बुनते हुए इस राउंड को मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब आप ये देखेंगे ये होल्स हमारे बन गए हैं। अब यहाँ से आप चाहें तो मार्कर भी लगा सकते हैं। अब हम यहाँ एक राउंड तो उल्टा बुनेंगे, एक राउंड सीधा बुनेंगे। इस तरह से हम एक उल्टा एक सीधा ऐसे राउंड बुनते हुए टोटल 8 राउंड बुनकर कंप्लीट करेंगे। अब हम यहाँ से इसको बुनना स्टार्ट करेंगे तो धागा आगे ले आएंगे और इस पूरे राउंड को यहाँ से लेकर यहाँ तक हम उल्टा बुन लेंगे। यहां से उल्टा बुनते हुए यहां तक इस राउंड को मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब हम एक सीधा राउंड बुनेंगे जिसके लिए धागा पीछे लेकर जाएंगे और यहां से सीधा सीधा बुनते हुए इस राउंड को यहां तक कंप्लीट करेंगे।
जब सीधा राउंड हमारा बुन जाएगा, फिर धागा आगे लाकर एक राउंड उल्टा बुनेंगे, फिर उल्टा राउंड बुनकर कंप्लीट हो जाने के बाद धागा पीछे ले जाएंगे, फिर सीधा राउंड बुनेंगे। तो इस तरह से टोटल हम ये 8 राउंड बुनकर कंप्लीट कर लेंगे, एक उल्टा एक सीधा, एक उल्टा एक सीधा। तो अब ऐसे इसको हम बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। 8 राउंड्स मैंने बुनकर कंप्लीट कर लिए हैं। अब आप जब ये यहाँ से इन उल्टी उल्टी लाइंस को काउंट करेंगे तो ये 4 नज़र आएंगी, 1, 2, 3, 4। अब यहाँ पे इन सारे स्टिचेस को हम क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के लिए धागा हम पीछे लेकर जाएंगे और अब एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर दूसरा फंदा सीधा बुनेंगे, फिर ये जो पीछे वाला फंदा है इसको हम ऐसे पकड़ेंगे और इस फंदे के ऊपर से ऐसे उतार देंगे, फिर नेक्स्ट फंदा सीधा बुनेंगे, फिर से पीछे वाला फंदा इस फंदे के ऊपर से ऐसे उतार देंगे, फिर नेक्स्ट फंदा सीधा बुनेंगे, फिर पीछे वाले फंदे को ऐसे लेंगे और इस फंदे के ऊपर से उतार लेंगे। इस तरह से ये हमारे स्टिचेस क्लोज होते जाएंगे। तो ऐसे हम यहाँ से लेकर सारे फंदों को यहाँ तक क्लोज कर लेंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक इन सारे स्टिचेस को मैंने क्लोज कर दिया है। अब हम ये एक्स्ट्रा थ्रेड कट कर देंगे। इस थ्रेड को कट करने के बाद यहाँ से इस लूप में से ऐसे इस थ्रेड को पकड़कर खींच देंगे। अब हम यहाँ से इसको इसके साथ मैच करेंगे। इस थ्रेड में हम नीडल को डाल लेंगे और अब देखिए कैसे हमें इसको सेट करना है। यहाँ से आपको ये चेन नजर आएगी, इसमें इस तरह से हम नीडल को इंसर्ट करेंगे, फिर यहाँ से भी ये जो चेन है इसमें ऐसे डालेंगे, फिर से एक बार और हम यहाँ पे डालेंगे और फिर एक बार यहाँ पे ऐसे डालेंगे। तो ये हमारा इस लाइन के साथ मैच हो गया है। अब जो हमारा थ्रेड है इसको बैक साइड में नहीं यहीं पे हम सेट करेंगे। देखिए थ्रेड को पक्का कर लेंगे यहाँ पे इस तरह से, और फिर हम यहाँ से इस थ्रेड को पास कर देंगे। फिर यहाँ पे ऐसे बैक साइड में लेकर आएंगे। यहाँ से जो थ्रेड हमने पास किया है बिल्कुल भी आपको नज़र नहीं आएगा। फिर ये जो हमारी लास्ट लाइन है इसमें हम इस थ्रेड को सेट कर देंगे। थ्रेड को यहाँ पे सेट करने के बाद फिर एक्स्ट्रा थ्रेड हम कट कर देंगे। अब ये कैप हमारी बुनकर रेडी हो चुकी है। यहाँ पे इन होल्स में डालने के लिए हम डोरी बनाएंगे। वो आप क्रोशे से भी बुन सकते हैं, हैंड से ट्विस्ट करके भी बुन सकते हैं। तो डोरी बनाकर फिर हम यहाँ पे उसको सेट कर देंगे। ये जो कैप मैंने यहाँ पे बुनी है, ऊपर वाला जो पार्ट बुना है उसमें सर्कुलर नीडल से मैंने नीटिंग की है। आप अगर चाहें तो 2 नीडल से भी इसको बुन सकते हैं। यहाँ तक इस पार्ट को बुनने के बाद जब 31 स्टिचेस से हमने इस पार्ट को बुना था तो हमें पहले यहाँ से और यहाँ से फोल्ड करके इसको स्टिच करना है। अगर आप 2 नीडल्स पे बुन रहे हैं तो फिर यहाँ से एक पार्ट हमारा ओपन रहेगा। ये जो पार्ट यहाँ पे हमने स्टिच कर दिया था इस पार्ट को हमें ओपन रखना है। फिर यहाँ से 82 स्टिचेस 82 फंदे हमें उठाने हैं और स्टिचेस उठाने के बाद राइट साइड से सीधा और रॉन्ग साइड से उल्टा इस तरह से बुनते हुए जब यहाँ तक इस पार्ट को हम 6 इंचेस तक बुन लेंगे फिर हमें यहाँ पे डोरी डालने के लिए होल्स बनाने हैं। फिर होल्स बनाने के बाद राइट साइड में, फिर रॉन्ग साइड में हम एक रो पूरा उल्टा बुन लेंगे। फिर जब राइट साइड में आएंगे तो तब हमें दोनों साइड से सीधा सीधा बुनते हुए टोटल ये 8 रोज 8 सलाइयाँ बुनकर कंप्लीट करनी है। फिर सारे स्टिचेस को बाइंड ऑफ कर देंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पे 2 नीडल से इसको बुन सकते हैं और फिर हम यहाँ से इस ओपन पार्ट को स्टिच कर लेंगे सारे पार्ट को ऐसे। तो ऐसे आप इसको 2 नीडल से भी बुन सकते हैं। और आप अगर इससे बड़ा साइज बुनना चाहते हैं तो इससे बड़ा साइज बनाने के लिए हमें इस पार्ट की लेंथ को कितना बुनना होगा, यहाँ से स्टिचेस हमें कितने उठाने हैं, यहाँ से यहाँ तक लेंथ हमें टोटल कितनी करनी है,
ये सारी डिटेल आपको आगे स्क्रीन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो अब हम यहाँ पे डोरी बनाकर सेट कर देंगे। डोरी को मैंने 20 इंचेस बनाकर फिर यहाँ पे कैप में सेट करके ये पर्ल्स इसमें सेट कर दिए हैं। आप यहाँ एजेस पे पॉम पॉम भी सेट कर सकते हैं या फिर क्रोशे से फ्लावर्स बनाकर उनको भी एजेस पे सेट कर सकते हैं। फिर इस कैप को जब आप बेबी को पहनाएंगे, पहनाने के बाद यहाँ से आप बेबी के हेड की शेप के अकॉर्डिंग ऐसे इसको लूज या टाइट कर सकते हैं और फिर यहाँ पे ऐसे नॉट लगा सकते हैं। इस तरह की कैप छोटे बेबीज के लिए बहुत ही कंफर्टेबल होती है। इस कैप को मैंने इस बेबी वेस्ट के साथ सेट में बुना है। अगर आपको ये बेबी कैप पसंद आई हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।